पिहोवा के सियोंसर जंगल से अवैध रूप से लकड़ी को काटकर ले जा रहे तीन व्यक्तियों को वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर लकड़ी से भरी पिकअप गाड़ी को किया काबू। कल रात हमारी जो वन विभाग की टीम थी वो जंगल में गश्त पर थी, अचानक जंगल से एक बलेरो गाड़ी, उसके साथ मोटरसाइकिल आ रहे थे। वन विभाग की टीम ने उनको रोकने का प्रयास किया, उन्होंने उस गाड़ी को सीधा वन विभाग की टीम की तरफ कर दिया और गाड़ी को भगाने लगे। वन विभाग की टीम द्वारा गाड़ी के पीछे सरकारी गाड़ी से उनका पीछा किया और उनको रोक लिया और उसके बाद उनकी तलाशी ली गई। तलाशी उपरांत गाड़ी से और बाइक और गाड़ी को पकड़ लिया। गाड़ी से सफेदे के अवैध कटान की लकड़ी बरामद हुई, उसके साथ अन्य सामान भी बरामद हुआ। उस लकड़ी की कीमत लगभग मार्केट में 40 से 50 हज़ार रुपये है। अब इस सामान को सीज कर लिया गया है और आरोपी लोकल श्योंसर और रामगढ़ गांव के रहने वाले हैं, इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। एक आरोपी अंधेरे का फ़ायदा उठाते हुए भागने में कामयाब हुआ। अब इन आरोपियों को माननीय न्यायालय में पेश किया जाएगा।